हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कारक चिन्ह और शब्द रूप, जो कि क्लास 6-7 सबके काम आने वाले हैं। चाहे आपकी क्लास 3 से स्टार्ट होता हो आपके बच्चे के क्लास में संस्कृत, चाहे 4 से स्टार्ट होता हो, क्योंकि हर जगह तो ये स्टार्ट हो ही जाता है। कारक चिन्ह और शब्द रूप भी पढ़ना होता है। तो जिस भी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हो, अगर उन्हें ये पढ़ना है तो आप प्लीज़ ज़रूर हेल्प ले इसकी। ओके, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने संस्कृत पर वीडियो बनाया हुआ है, संस्कृत ग्रामर पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जैसे विभक्ति यहाँ पर आ जाएगा, विभक्ति में जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, देख लीजिए ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब कारक है, ये कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और ये चिन्ह है। तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे हम इसे याद कर सकते हैं? इस तरह से, कर्ता ने कर्म को, करण से का अर्थ है यहाँ पर द्वारा के अर्थ में, द्वारा मतलब साथ। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ तो कलम से, यहाँ कलम से आया तो से कलम मेरे हाथ में, मेरे साथ है, इसीलिए यहाँ करण यानी कि तृतीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, करण कारक का यूज होगा यहाँ पर। ओके, अब उसी तरह संप्रदान के लिए, अपादान से, अब देखिए यहाँ भी से है लेकिन यहाँ पर मीनिंग आएगा इसका अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ओके, मेरे हाथ से कलम छूट गई तो ये अलग हो रहा है, पेन अलग हो रहा है, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ अपादान कारक का यूज होगा यानी कि पंचमी विभक्ति का यूज होगा। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप समझ सकते हैं। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे। अब आप लोग शब्द रूप तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो ये देखिए, ये है शब्द रूप। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए ही कारक चिन्ह और शब्द रूप दोनों को मिलाकर के मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाए कि इसका इससे क्या लेना देना है। ठीक है, कारक चिन्ह से, अब देखिए जैसे ये अकारांत बालक, बालक में अ छुपा है ना, क यानी कि अ, ठीक है, तो इसे आकारांत बोलते हैं। ओके, राम, राम मा में भी आ है तो वो आकारांत शब्द रूप हुआ राम का। ठीक है, मुनि, ना में छोटी ई होता है, जैसे ना में क्या होता है, छोटी ई होता है, तो यहाँ इकारांत हो गया, छोटी इकारांत शब्द रूप। ठीक है, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है। अब जैसे इसमें भी सेम ऐसी विभक्ति चलेगी जैसे यहाँ पर था ना कारक चिन्ह में, ठीक इसी तरह यहाँ भी, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक सेम यही है। ओके, अब यहाँ हो जाएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें देखिए बालका, बालको, बालका, जहाँ ये कहते हैं इसे विसर्ग। ओके, तो बालक ह पढ़ते हैं इसे, बालक या बालका। ठीक है, तो ये होते हैं विसर्ग ये, फिर बालक, बालको, बालकान, इसे आपको याद करना है, बालकम, बालको, बालकान। ठीक है, बालकेन, ये होता है हलंत, बालकम, हलंत आ गया तो वहाँ रुक जाना रहता है, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकेना, बालकाभ्याम, बालकही, यहाँ पे भी विसर्ग है, फिर बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। यहाँ पर मैंने इस तरह से किया, इसका मतलब है कि सेम यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह, यानी कि यही चीज बालकाभ्याम यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ है बालकेभ्य, यानी कि सेम ये यहाँ लिखा हुआ है। ओके, अब इस तरह से आपको याद कर लेना है, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेसु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे यहाँ है कर्ता ने, प्रथम विभक्ति में है कर्ता ने, तो यहाँ है बालक ने, एक वचन है एक बालक ने तो बालका हो गया, द्विवचन है दो बालकों ने तो बालका हो गया, बहुत सारे बालकों ने तो बालका हो गया। उसी तरह यहाँ है द्वितीय में कर्म को, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बालक को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दो बालक को, यहाँ हो जाएगा बहुत सारे बालकों को। ओके, या तीन बालकों को या बहुत सारे बालकों को। उसी तरह यहाँ पर क्या है, करण से, एक बालक के द्वारा, द्वारा के अर्थ में है, एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालकों के द्वारा। अब चतुर्थी में क्या आता है, चतुर्थी में आता है संप्रदान के लिए, तो एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए। फिर यहाँ पर क्या है,
संबंध, यहाँ पर है अपादान अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ भी ये एक बालक से या एक बालक के द्वारा, ठीक है, दो बालकों के द्वारा। इस तरह से आप इससे कारक चिन्ह से और इससे आपको मिलाते जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कब काम आता है। जब आप सेंटेंस बनाते हैं संस्कृत में तब ये काम आता है। जैसे एक बालक की गेंद, तो बालकस्य कंदुकम, ठीक है, इस तरह से दो बालकों की गेंद, तो बालकयोः कंदुकम, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने के काम आएगा। आप सेंटेंस लिखा भी रहेगा संस्कृत में तो आप समझ पाएंगे, इसलिए शब्द रूप भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है संस्कृत में। उसी तरह शब्द रूप तो बहुत सारे होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, राम का शब्द रूप, लता का शब्द रूप, बालिका का शब्द रूप, तो इसीलिए ये सब जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कारक चिन्ह आप याद करें। कैसे याद करेंगे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, और ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि से मतलब द्वारा, करण का, करण में जब तृतीय व्यक्ति में से आएगा तो द्वारा के अर्थ में, और पंचमी व्यक्ति में जब अपादान कारक आएगा से के अर्थ में तो अलग होने के अर्थ में। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है या फिर पुस्तक को पढ़ता है, बात एक ही हुआ, तो यहाँ कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति लगेगी, तो राम पुस्तकम, देखिए यहाँ कर्म है, कर्म को, ठीक है, और पुस्तकम पठती हो जाएगी। जैसे बालकम होता था, मैं फलों को खाता हूँ, यहाँ फल का अलग शब्द रूप चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, क्योंकि फल नपुंसक लिंग है, आप शब्द रूप देख लीजिएगा बुक में, तो इसीलिए कर्म को है द्वितीय व्यक्ति में भी फलम फले फलानी होगा, तो फलानी यानी बहुवचन है, फलो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर फलानी हुआ। अगर एक फल होता तो फलम होता, ओके, दो फल होते तो फलम फले फले होता, आप वो देख लीजिएगा, शब्द रूप साथ पास में रख लीजिएगा फल का, तो आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अहम फलानी खादामी, ठीक है, अहम मतलब मैं, मैंने बताया हुआ है धातु रूप बताया हुआ है वीडियो में, आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो जो डाला हुआ था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब राम पढ़ता है तो रामह पठती, यहाँ प्रथम विभक्ति चले गए, ठीक है, रामह हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं हाथ से लिखती हूँ, तो यहाँ हाथ से है यानी साथ है, हाथ मेरे साथ में, तो हस्तेन हो जाएगा, हस्तेन हो जाएगा। जैसे करण का लगता था तो बालकेन होता था, ठीक उसी तरह हस्तेन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको कारक चिन्ह और शब्द रूप दोनों को मिला करके साथ में समझाने की कोशिश की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो इस तरह से आप कारक चिन्ह और शब्द रूप जरूर आप याद कर लेना है आपको। और हाँ, शब्द रूप याद करने में कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने बालक का शब्द रूप याद कर लिया है तो राम में भी अकारांत है, राम में भी म है यानी अ है, तो वो अकारांत है, तो इसी तरह वो बालक की तरह ही चलेगा। जैसे बालका बालको बालका होता, वैसे रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामई, बस इसमें हमें मात्रा विसर्ग जैसे बालक में दिया है उसी तरह राम में भी होगा, बस शब्द चेंज हो जाएंगे, ठीक है, विसर्ग हलंत मात्राएं जो भी बालक में है वही राम में भी होगी, बस शब्द चेंज हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह आपको लता बालिका की तरह चलेगा, क्योंकि लता में आ की मात्रा है, बालिका में भी आ की मात्रा है, तो वो आकारांत हो गए। तो हमें ध्यान यही रखना है, मतलब आकारांत आकारांत पे ध्यान रखना है। अगर आकारांत बालक का शब्द रूप है तो आप उसमें मुनि का शब्द रूप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुनि में ई की मात्रा हो गई, वो ईकारांत हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ बस ध्यान रखना है, नहीं तो आप अच्छे से शब्द रूप अगर एक आपने याद कर लिया अकारांत का तो दूसरा भी सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक। इसी तरह आप और भी शब्द रूप याद कर सकते हैं, ओके, तो शब्द रूप आसानी से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो यही एंड होता है, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत मेहनत करी इसमें, इसलिए प्लीज़ आप ज़रूर याद करना इसे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक शेयर किए हैं बच्चों